from our development book, the new chapter 9, Environment and Sustainable Development. In this chapter, related to the environment topic has deleted and we have to learn on the sustainable development, its meaning, effects of economic development resources, and the strategies for sustainable development, like as global warming. So here we study about only the sustainable development. But before going start the chapter, we should know about the environment, the total planetary inheritance and the totality of all resources. It includes all the biotic and abiotic elements that influence each other, all living elements, the birds, animals in the forest, fisheries, all are biotic elements, whereas which includes non-living elements like air, water, land, rocks and sunlight, that is abiotic elements. And the functions of the environment, that is the main, it sustains human life. It's having so many resources, renewable, non-renewable resources, and it enhances the quality of life. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि environment हमारे लिए कितना ज़्यादा important है, कि यहाँ पे जो भी चीज़ें production हो रही है, कोई भी चीज़ें यहाँ पे things हमें नज़र आती हैं, वो last में आपकी carbon हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे decomposers जो हैं, वो उसको decompose कर लेते हैं. ठीक है, किस तरह से हम लोग यहाँ पे बहुत सारी things यहाँ पर use करते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे course में क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड का ज़्यादा टॉपिक्स हमारे इसमें इंक्लूडेड नहीं है. जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, आपका ओजोन डिप्लेशन है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं. तो उसी के अंडर पर आता है द वेरियस रीजंस फॉर इन्वायरमेंट क्राइसिस. तो हम क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर साथ में हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है, हमने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जिस वजह से जो है धीरे धीरे हमको सारी सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमको यहाँ पर जो है वो फेस करनी पड़ रही है. ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत छोटे क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय मैनमेड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डीफॉरेस्टेशन. ठीक है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब इसके इंक्रीज होने के कारण क्या है, सबसे बड़ा तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, डे बाय डे आपका जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन आपका जो है वो इंक्रीज हो गया. सो द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग जो है मेनली क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैनमेड के थ्रू क्या है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पर आपका ग्रीन हाउस गैसेस जो है आपकी वो इफेक्ट कर रही है यहाँ पर, एंड द फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे इफेक्ट करती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए. ठीक है, अब जब ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग व्हिच वी हैव सीन, दैट इज मेल्टिंग ऑफ पोलर राइस विद द रिजल्टिंग राइस इन सी लेवल एंड कोस्टल फ्लडिंग. अब क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत आपके जो है वो यहाँ पे पिघलना स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, इस वजह से हमको यहाँ पे जो सिचुएशन देखनी पड़ रही है. एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज एज इकोलॉजिकल नेचर्स डिसअपीयर, मोर फ्रिक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, and the increased incidence of tropical diseases. These are the results of global warming, which we are facing day by day. And
And the another thing, ozone depletion. So what is ozone depletion? It refers to reduction in the amount of ozone, a protective layer in the stratosphere. हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर आती है, ठीक है, जो यूवी रेडिएशन यहाँ पर आ रहा है, उससे हमें क्या नजर आ रहा है कि ओजोन, वहां पे भी हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका ओजोन डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, हम देखते हैं कि अर्थ है, ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक बहुत ही थिन लेयर होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा थिन लेयर होती है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर ओजोन लेयर, ठीक है. इस ओजोन लेयर में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे जो है होल्स होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है. अब वो होल्स क्यों हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्पेशली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सीएफसी जो आपका ना रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है. कौन सा रेवोल्यूशन ज्यादा हो गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज्यादा हो गया है. हम बहुत सारी चीजें जो है वो डे बाय डे अपने इजीनेस के लिए यूज कर रहे हैं, और उसका इफेक्ट हमको जो है इस तरह के डिप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है. जैसे हमने कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फ्रिज वगैरह बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, ठीक है, उससे काफी ज्यादा इफेक्ट होता है. दूसरा यहाँ पर हम लोग एसीज वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो इनसे क्या होता है, ओजोन डिप्रेशन होता है. द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय हायर लेवल्स ऑफ सीएफसी as cooling substance in air conditions refrigerators as aerosol propellants and bromofluorocarbons used in fire extinguishers. ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से आपका जो है मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम्स टू अर्थ कॉजिंग डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, हमें यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट कुछ इस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे जो है इन सब चीजों में रक्षण किया जाए, ठीक है.